हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि 2019 से कुछ प्रॉब्लम्स जो अभी पेपर हुआ था अभी थर्ड को। इसमें जो पहली प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो प्रॉब्लम है फर्मी एनर्जी से। किसी समय पे जो दे रखा था क्वेश्चंस में वो था एनर्जी माइनस ई एफ, फर्मी एनर्जी और एनर्जी के बीच का गैप था 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑक्यूपेशन इंडेक्स दे रखा था 0.01, और टेम्परेचर पूछा था किसी समय पर। ऑक्यूपेशन इंडेक्स बेसिकली दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है, ई और ई एफ पे। तो फर्मी थ्योरी कहती है किसी समय पे जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स होता है वो एन आई अपॉन जी आई के इक्वल होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है ऑक्यूपेशन इंडेक्स की वो होती है 1/e^α, e^e/kT, और ब्रैकेट में आता है साथ में यहाँ +1। ये एल्फा जो यहाँ पे ये कहलाता है किसी समय पे इसकी जो वैल्यू होती है -e^(kT) होती है, और ये जो किसी समय माइनस चिन्ह है फर्मी एनर्जी के साथ कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और की टेम्परेचर को मोट कर रहा है। तो यहाँ पे पुट करते हैं इस एल्फा की वैल्यू को, तो एफ ऑक्यूपेशन इंडेक्स आ जाएगा 1/e^(e^-ef/kT+1। ये जो वैल्यू दे रखी थी किसी समय पे ऑक्यूपेशन इंडेक्स की वो वैल्यू दे रखी है 0.01, तो इसे 1/100 लिख दें। उसके बाद इसको सॉल्व करें, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू होगी ये 100 के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद ये जो किसी समय पे e-ef है उसकी जगह पर 0.5 ले लें। k जो दे रखा था वो किसी समय पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा था। k की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है जूल में तो होती है 1.38×10^-23 जूल पर केल्विन, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चंस में बेसिकली जो k था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में दे रखा था। तो यहाँ पर पुट कर दें, ये वैल्यू गिवन थी 8.6×10^-5, ये इसकी वैल्यू होगी k की। टी यहाँ पे लिखें बराबर, और ये हमारा जैसे ही हम 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 आ जाएगा। उसके बाद लॉग ले लें इसका बेस ई के ऊपर, तो लॉग ई बेस 99 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0.5/8.6×10^-5×t। उसके बाद टी की वैल्यू यहाँ से एवोल्यूट करें, ये टी जो आ जाएगा इसे टी को इधर ले जाएँ और लॉग ई 99 को इधर ले आए, तो टी हो जाएगा 0.5/8.6×10^-5 लॉग बेस ई 99। इसकी जो वैल्यू है लॉग ई बेस 99 की वो होती है 4.59, तो यहाँ पर पुट कर दें ये वैल्यू 4.59 और इसे सॉल्व कर लें, तो ये टेम्परेचर जो है 1266 केल्विन आ जाएगा। तो मैच कर लें, स्टूडेंट्स ने जो कैलकुलेशन मुझे करके दिए मैंने उसी से आंसर मार्क किया है, तो देख लें अगर कोई आंसर में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो मार्क कर दें, लेकिन पैटर्न मैंने बता दिया कि इस तरीका से हमें सॉल्व करना था। तो इस कैलकुलेशन को एक बार फिर से स्केयर से देख लें। उसके अलावा एक प्रॉब्लम मैंने जो इसमें डिस्कस की है वो न्यूक्लियर फिजिक्स की है, और क्वेश्चंस था किसी समय पर कंजर्वेशन लॉ पे एल ई एल म्यू और जो हमारे इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं ई इलेक्ट्रॉनिक और म्यू इलेक्ट्रॉनिक नंबर और बैरियो नंबर। न्यूक्लियर फिजिक्स में मैंने डिस्कस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था पहले भी कि कंजर्वेशन लॉ से क्वेश्चन आते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन आया था। इसमें क्या था कि पहली जो प्रोसेस थी इसमें प्रोटॉन जो है पाई न्यूट्रॉन प्लस ये हमारा पॉजिटिव चार्ज ई है, और पॉजिटिव चार्ज ई का मतलब जो होगा वो होगा हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है एक पॉजिट्रॉन, तो ये पॉजिट्रॉन है उसके साथ ये ई न्यूट्रिनो है। तो किसी समय पे प्रोटॉन जो है पाई मेसोन में पॉजिट्रॉन में और ई न्यूट्रिनो के अंदर इसका स्प्लिटिंग हो रहा है, मतलब किसी समय पर डिसिंक्रिएट हो रहा है प्रोटॉन, तो देखना था कि ये कंजर्वेशन लॉ को ओबे करता है या नहीं करता। तो हम सब जानते हैं कि जो प्रोटॉन है वो सबसे लाइटेस्ट बैरियन होता है, तो प्रोटॉन का जो बैरियन होगा वो 1 होगा, और इन इस पूरी फैमिली में ना ही पाई मेसोन ना ही पॉजिट्रॉन ना ही किसी समय पे ई न्यूट्रिनो, इनमें से कोई सा भी पार्टिकल बैरियन फैमिली का नहीं है, तो इनके सबके बैरियन नंबर 0 होंगे। इधर बैरियन 1 है और इनका सम जो है वो 0 है, तो बैरियन नंबर का कंजर्वेशन वो भी नहीं हो रहा, इसलिए प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन एल ई जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है उसका कंजर्वेशन हो रहा है, इसके लिए एल ई की वैल्यू 0 है, इसके लिए एल ई 0 होगा, इसके लिए -1 होगा और इसके लिए +1 होगा। तो एल ई हम देख रहे हैं इधर 0 है, इनका सम भी 0 है, लेकिन बैरियन नंबर कंजर्वेशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी। उसके अलावा दूसरी प्रोसेस के अंदर जो है दे रखा था म्यू प्लस जो मैसोन है म्यू मैसोन प्लस ये दे रखा था म्यू न्यूट्रिनो, ये टूट जाता है किसी समय पर पॉजिट्रॉन में और साथ साथ ये हमारा ई न्यूट्रिनो में। फिर पूछ रहा था बताइए कि प्रोसेस पॉसिबल होगी या नहीं होगी, तो बैरियन नंबर में इनमें कोई बैरियन फैमिली का पार्टिकल नहीं है, इसका बैरियन नंबर भी 0 होगा, इसका भी बैरियन नंबर 0 होगा, इसका भी बैरियन 0 होगा और इसका भी बैरियन 0 होगा।
इसमें ए भी जो होगा इसका जीरो होगा क्योंकि ये म्यू फैमिली का पार्ट के लिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर जीरो होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर जीरो होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर माइनस वन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो एली होता है वो वन होता है, और पॉजिट्रॉन का क्योंकि उसका एंटी पार्टिकल है तो उसका एली माइनस वन होगा, और इसका जो किसी समय पे एली प्लस वन होता है, और किसी समय पे जो ई न्यूट्रिनो और ई एंटी न्यूट्रिनो होते हैं उनमें ई न्यूट्रिनो का जो एली है वो प्लस वन, और किसी समय पे जो दूसरा पार्टिकल इसी फैमिली का आता है ई एंटी न्यूट्रिनो उसका माइनस वन होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा किसी समय पे जो एली है वो इधर जीरो है और इधर भी जीरो है, तो एली कंजर्व रह रहा है। एल में देखें फिर इसका म्यू इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इसका होता है माइनस वन, इसका होता है प्लस वन, इन दोनों का जीरो होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेरियन कंजर्वेशन भी ओबे हो रहा है, एली भी कंजर्वेशन ओबे हो रहा है, और एल म्यू कंजर्वेशन ओबे हो रहा है, तो ये प्रोसेस पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैंने मार्क किया है, इसमें कोई अगर डिस्क्रिपेंसी है क्योंकि मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के फीडबैक पर कर रहा हूँ, और जैसा उन्होंने मुझे बताया मैं उसी हिसाब से सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, क्योंकि जो पेपर था वो अभी साइट पर उपलब्ध नहीं है, तो जो स्टूडेंट्स ने जिस पैटर्न से मुझे बताए हैं मैं उसी हिसाब से आंसर मार्क कर रहा हूँ। तो इसमें अगर कोई चेंजिंग है तो वो आप देख लें, लेकिन पैटर्न मैंने बता दिया, पैटर्न इसी से सॉल्व करते हैं हम। बेरियन कंजर्वेशन, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन, एल को फिर तीन पार्ट्स में ले लेते हैं, एली एलिम्यू एल्टो। तो ये मैंने किसी समय पर जब एलिमेंट के पार्टिकल को डिस्कस किया था तो उस वीडियो में डिस्कस किया था इस कंजर्वेशन लॉ को, वहीं से क्वेश्चन था, और मैंने प्रिजेक्ट भी किया था कि कंजर्वेशन लॉ सदा इंपॉर्टेंट है, तो वहीं से ये प्रॉब्लम आई। एक क्वेश्चन से मैंने इसमें जो पहले डिस्कस किया था स्टूडेंट्स के फीडबैक में, दो तरीका का ग्रुप है, एक कहता है कि वी बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर में किसी समय पर जो प्रॉब्लम थी वन डायमेंशन की थी, और कुछ कहते हैं स्टूडेंट्स थ्री डी की थी, तो वन डी का मैंने सॉल्यूशन दिया था जो पहले दिया था, लेकिन स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर उस पर ऑब्जेक्शन किए वीडियो में, तो इस वजह से उसका ऑब्जेक्शन आया कि क्योंकि मैं पेपर में था नहीं तो स्टूडेंट्स ने जैसा बताया उसी हिसाब से मैंने सॉल्व किया, तो इसका मैं मॉडिफाइड सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम 3D से थी तो आप उसे कैसे सॉल्व करें। तो 3D के लिए सॉल्यूशन है, 1D पर मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन दे चुका हूँ। तो किसी समय पर वी जो था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर दे रखा था, और एक्सपेक्टेशन आर स्क्वायर पूछा हुआ था एक्साइट के स्केट में। तो अब किसी समय पर मैं एक्साइट स्केट में कैसे निकालें 3D के केस में, मैं उसे समझा देता हूँ, फिर आप देखें कि उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था और आपको क्या आंसर मार्क करना था, वो मैं सारे ऑप्शन आपको बताऊँगा। तो किसी समय पर एक्सपेक्टेशन ई की वैल्यू एक्सपेक्टेशन टी प्लस एक्सपेक्टेशन वी होगी, ई एनर्जी को, टी काइनेटिक एनर्जी को, और वी पोटेंशियल एनर्जी को नोट कर रहा है। एक्सपेक्टेशन टी अपॉन एक्सपेक्टेशन वी का फॉर्मूला होता है एन अपॉन वी टू, अगर वी आर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन। मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया वीडियो में, मेरी पुरानी वीडियो देखें, एन बराबर टू जब ऐसे यहाँ रखेंगे तो एक्सपेक्टेशन टी बराबर एक्सपेक्टेशन वी होगा, इसको यहाँ पुट कर दें तो ये टू एक्सपेक्टेशन वी बन जाएगा यहाँ से ये वाला, और एक्सपेक्टेशन ई जो होता है थ्री डायमेंशन में वो होता है एम प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। एक्सपेक्टेशन वी की वैल्यू यहाँ से ले लें वो हो जाएगी हमारी टू इंटू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशन आर स्क्वायर इजकल टू एम प्लस थ्री बाई टू, इसे ब्रैकेट में क्लोज करें एच क्रॉस ओमेगा, टू से टू कैंसिल आउट कर दें और ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल कर लें, तो एक्सपेक्टेशन आर स्क्वायर आ जाएगा एन प्लस थ्री बाई टू ये ब्रैकेट में पूरा एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा। उसके बाद हम क्या करें कि अगर ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा है एक्सपेक्टेशन आर स्क्वायर तो एन बराबर जीरो से शुरू करें। याद रखें कि किसी समय पर जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें एन की वैल्यू जीरो से शुरू होती है, जबकि पार्टिकल इन बॉक्स में एन बराबर वन से शुरू होता है, क्योंकि जीरो पॉइंट एनर्जी जो इसकी होती है वन डायमेंशन में जीरो पॉइंट एनर्जी होती है हाफ एच क्रॉस ओमेगा, टू डायमेंशन में एनर्जी होती है किसी समय पर टू इंटू हाफ एच क्रॉस ओमेगा, और थ्री डायमेंशन में होती है थ्री बाई टू एच क्रॉस ओमेगा, और ये आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के केस में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होगा कि एन की वैल्यू जीरो होगी अगर वो एक्सपेक्टेशन आर स्क्वायर ग्राउंड स्टेट में पूछता है, तो एन को यहाँ जीरो ले लें तो ये आंसर आ जाएगा थ्री बाई टू एच क्रॉस अपॉन ऑन एम ओमेगा, जो हमें ये मार्क करना था। अगर वो ग्राउंड स्टेट में पूछता है तो आंसर मार्क करें ये। उसके अलावा अगर फर्स्ट एक्साइट स्टेट में पूछता है तो उसके बाद में हम उससे आगे का एनर्जी लेवल लेंगे। तो यहाँ पे एन की जो वैल्यू है वो होती है एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, जहाँ एन एक्स एन वाई एन जेड क्वांटम नंबर को नोट करते हैं एलोंग एक्स एक्सिस एलोंग वाई एक्सिस एलोंग जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे एन की वैल्यू को वन ले लें फर्स्ट एक्साइट स्टेट में, एन बराबर वन में एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड की वैल्यू वन हो जाएगी। एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू को जब हम वैल्यू देंगे तो इसमें थ्री डी जनरेसी बनेगी, क्योंकि वन जीरो जीरो एन एक्स को वन लें एन वाई को जीरो लें एन जेड को जीरो लें, या एन एक्स को जीरो लें एन वाई को वन लें एन जेड को जीरो लें, या एन एक्स को जीरो लें एन वाई को जीरो लें एन जेड वन लें, ये तीनों स्टेट एन बराबर वन को रिप्रेजेंट करेंगी।
और वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन आर स्क्वायर की वैल्यू होगी वो किसी समय पे हम देखेंगे ये इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट होगी, क्योंकि अब हम एन की वैल्यू को यहाँ पे वन रख देंगे। जैसे ही वन रखेंगे तो वन प्लस थ्री बाई टू ये बन जाएगा फाइव बाई टू, तो फाइव बाई टू एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा आंसर मार्क करना है। अब क्वेश्चन में देखें, अगर उसने फर्स्ट एक्सा के स्टेट में पूछा था तो हमें आंसर मार्क करके आना था दिस वन। अब अगर हमारा क्वेश्चन सेकंड एक्सा के स्टेट में है तो सेकंड एक्सा के स्टेट के लिए एन की वैल्यू को टू ले लें, वहां एन बराबर टू के बराबर हो जाएगा हमारा ये एन की वैल्यू है एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड। तो ये सिक्स कॉम्बिनेशन होंगे जो सेम एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो डिजेनरेसी इस स्टेट की सिक्स होगी। मैंने फॉर्मूला लिखा रखा था डिजेनरेसी का एन प्लस वन एन प्लस टू बाई टू, तो एन बराबर जीरो में तो हम देखेंगे डिजेनरेसी नहीं होगी, क्योंकि जीरो प्लस वन जीरो प्लस टू बाई टू करेंगे तो बनाएगी। तो उसके अलावा जब हम किसी समय पे एन बराबर जीरो के बाद में एन बराबर वन में जाएंगे, एन बराबर जीरो ग्राउंड स्टेट होगी और एन बराबर वन फर्स्ट एक्सा की स्टेट होगी। तो एन बराबर वन हम जैसे ही लेके चलेंगे तो वन प्लस वन और वन प्लस टू बाई टू ये हमारा हो जाएगा तो थ्री होगी। तो जी जनरेसी हम यहाँ देख रहे हैं किसी समय पर थ्री थी। इस केस में हमारे पास में सिक्स कॉम्बिनेशन होंगे, जब हम यहाँ पे एन की वैल्यू को टू रख देंगे तो टू प्लस वन थ्री और टू प्लस टू फोर, ट्वेल्व अपॉन टू सिक्स आ जाएगा। ये सिक्स ये कॉम्बिनेशन होंगे एन एक्स टू एन वाई जीरो एन जेड जीरो एन एक्स जीरो एन वाई टू एन जेड जीरो एन एक्स जीरो एन वाई जीरो एन जेड टू एन एक्स वन एन वाई वन एन जेड जीरो, क्योंकि इनमें देख रहे हैं सब में टू बन रहा है सम करके एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड। एक हमारा कॉम्बिनेशन वन जीरो वन होगा, एक जीरो वन वन होगा। ये एन एक्स एन वाई एन जेड की में एन एक्स वन एन वाई जीरो एन जेड वन एन एक्स जीरो एन वाई वन एन जेड वन। तो ये सिक्स कॉम्बिनेशन ऐसे आ गए जो किसी समय पर एन बराबर टू के करस्पॉन्ड होंगे। एन बराबर टू जैसे यहाँ पे रखेंगे तो टू टू जब फोर प्लस थ्री सेवन बाई टू यहाँ से बनेगा सेवन बाई टू एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा। अगर वो सेकंड एक्सा के स्टेट में पूछता है एक्सपेक्टेशन आर स्क्वायर की थ्री की में तो ये हमें आंसर मार्क करना है। अगर किसी समय पर थर्ड एक्सा के स्टेट में पूछता है तो फिर एन की वैल्यू को थ्री ले लें, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड को थ्री ले लें और एक्सपेक्टेशन आर स्क्वायर थर्ड एक्सा के स्टेट में हो जाएगा नाइन बाई टू एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा, क्योंकि अब जो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे वो थ्री रखेंगे। तो टू थ्री या सिक्स प्लस थ्री नाइन बाई टू एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं किसी समय पर जो डी जनरेसी है वो हम कैसे एवोल्यूट कर रहे हैं, डी जनरेसी का कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सा के स्टेट के केस में होगा, सेकंड एक्सा के स्टेट, थर्ड एक्सा के स्टेट, इस तरीका से एनर्जी लेवल आते चले जाएंगे और एक्सपेक्टेशन आर स्क्वायर हम कैलकुलेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे एन की वैल्यू को हमें चेंज करते जाना है, ये चीज ध्यान रखें। तो किसी समय पर अगर ग्राउंड स्टेट में पूछता है तो एक्सपेक्टेशन आर स्क्वायर की वैल्यू को ये मार्क करके आना था, अगर उसने क्वेश्चन में ग्राउंड स्टेट पूछा हुआ था। अगर किसी समय फर्स्ट एक्सा के स्टेट में पूछा तो एन की वैल्यू को वन रखें, तो यहाँ पे ये आंसर मार्क करके आना था फाइव बाई टू एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा। और इसी तरीका से सेकंड एक्सा के स्टेट और थर्ड में अगर पूछा था तो हमें आंसर ये मार्क करके आना था। तो अगर किस कुछ इसमें करेक्शन देख आपको लगता है तो आप उसे मार्क करें। एक क्वेश्चन जो अभी डिबेट में चला हुआ है वो है कॉक जेड जेड बराबर जीरो पे कैसी सिंगुलरिटी शो करेगा। तो जो हमारे पास मैंने रिमूवेबल सिंगुलरिटी में आंसर देखा था डाला था तो उसमें मैंने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड माइनस ए एफ जेड अगर एग्जिस्ट करती है तो जेड बराबर ए पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। तो उसी कंसेप्ट को मैंने अप्लाई किया है और कुछ जो सॉल्यूशंस है वो सिंपल पोल की तरफ भी वो कर रहे हैं। तो अभी मैं आप लोग भी अपने विचार उस पर व्यक्त करें, मार्क करें, इसमें भी अपने आंसर्स में मार्क करें कि आपको इसमें क्या करेक्शंस की रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है। तो इसलिए डिस्कशन जारी रहेगा और मैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आए थे उन्हें डालूंगा जैसे ही पेपर मिलेगा फिर कुछ उसके बाद में। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट्स की मेमोरी पर बेस हैं, क्योंकि पेपर अभी आया नहीं है मार्केट में, तो जो ऐसा स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं मैं उन्हीं के फीडबैक पर इनको सॉल्यूशंस को डाल रहा हूँ। तो आप अपने विचार देते रहें, बेस्ट विशेज़।